वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सोमवार से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। प्रदेश के हॉटस्पॉट इलाकों और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों, सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों में सशर्त संचालन शुरू हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। वहीं उद्योग विभाग के अधिकारी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर हालातों पर जायजा ले रहे हैं। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया जा चुका है। किस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता पिंटू सिंह मौजूद है। जी पिंटू सिंह, किस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं? देर रात 12 बजे से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। देखिए आशीष, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, किस प्रकार से पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है, एक बड़ी चुनौती बन गई थी जान बचाना। लेकिन इस जान बचाने के साथ साथ जो गहलोत सरकार, अगर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार प्रयास कर रही थी संक्रमण को रोकने को। लॉकडाउन लगातार जारी था और सबसे पहले लॉकडाउन का फैसला अशोक गहलोत सरकार ने लिया, उसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और दूसरा लॉकडाउन अभी जारी है। लेकिन एक दोहरी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने बन गई थी और वो दोहरी चुनौती ये थी कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एक प्रकार से दब चुकी थी, मृत हो चुकी थी, उस अर्थव्यवस्था को जीवित करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो गई थी। और उसी को देखते हुए एक पूरी गाइडलाइन तैयार की गई कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए, साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पटरी पर लाया जाए। उसके लिए लगातार गहलोत सरकार एक पूरा खाका तैयार किया, सरकार ने गाइडलाइन तैयार की और उसके बाद में तय किया कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। और फिर जो गाइडलाइन तय हुई उसमें यह तय हुआ कि जो हॉटस्पॉट के जो इलाके हैं, जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं, उनको छोड़कर जहां पर संक्रमण के मामले कम हैं, जो 3 जोन बनाए गए थे, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, तो ग्रीन जोन जो और ऑरेंज जोन जो है वहां पर औद्योगिक इकाइयां हैं और तमाम जो कुछ जो दूसरी सेवाएं हैं, जरूरी सेवाएं हैं, उनको अनुमति दी गई थी कि आप अपना काम धंधा शुरू करें। लेकिन उनमें भी जो नियम बनाए गए थे, जो गाइडलाइन के नियम थे, उनके पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क लगाने की बात हो, प्रदेश सरकार ने मास्क लगाना कंपल्सरी कर दिया है। तो इन सब चीजों की पालना के साथ आज से प्रदेश में इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत काम धंधे शुरू हो गए, ताकि अर्थव्यवस्था को भी बल मिले और साथ के साथ जो लोगों को भी कहीं ना कहीं रियायत मिले। फिलहाल जो उद्योग विभाग है वो लगातार इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो इजाजत दी है, जो अनुमति दी गई है उद्योगों को, इकाइयों को, कि अपना काम धंधा शुरू करे, कहीं ना कहीं वो लापरवाही नहीं करे और लापरवाही कहीं भारी पड़ जाए, ये भी एक चुनौती है। हालांकि मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत ये फैसला जरूर लिया गया है कि अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए काम धंधे शुरू किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते एक बड़ी मुसीबत नहीं बन जाए, इसकी भी पूरी बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिनको इजाजत दी गई है, अनुमति दी गई है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो दूसरे नियम बनाए गए हैं उनका पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो शर्तें रखी गई है सरकार की ओर से उन शर्तों के आधार पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं दिनेश कसाना, वो भी जुड़ गए हैं। आज जो तमाम जो सरकारी दफ्तर खुले हैं उनमें भी आज जो अधिकारी कर्मचारी, उन्होंने भी अपना जो काम है वो संभाला है, जो जरूरी फाइलें थी उनका निपटारा किया है। दिनेश, किस प्रकार से आज जो मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी हुआ है उसके बाद सरकारी कर्मचारियों में भी काफी लंबे समय बाद आज अधिकारियों की आवाजाही देखी गई अपने चैंबरों में बैठे, किस प्रकार से कामकाज हुआ? बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के चलते सरकारी तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वो बंद थे, लेकिन आज मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी सरकारी कार्यालय हैं उनको खोला गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि 1/3 जो स्टाफ है उनको रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाएगा, लेकिन कल रात को ही उसको जो आदेश था उसको वापस ले लिया गया और जो उच्च अधिकारी हैं, जो IAS हैं, RAS हैं, तमाम विभाग अधिकारी हैं या जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उस लेवल के अधिकारियों को ही कार्यालय बुलाया गया है। साथ ही जो उनका निजी स्टाफ है उसको कार्यालय बुलाया गया है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन भी है कि जो आम लोग हैं उनका सरकारी कार्यालयों में प्रवेश निषेध है। साथ ही जो कामकाज है, सरकारी कामकाज, वो प्रारंभ हो गया है। अगर बात की जाए मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत, तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनको पूरी तरह से इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत खोला गया है। जो जरूरी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको इसके तहत खोला गया है। नरेगा के तहत जो कार्य हैं वो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत शुरू हो गए हैं। सरकारी कामकाज भी इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत हो सकेगा। देखिए जिस तरह की बात सामने आ रही है कि इस वीक में इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत देखा जाएगा और उसके बाद अगर सक्सेस रहा तो अगले बार
जिस तरह अगले वीक में है, तो 1/3 का स्टाफ को बुलाने का था, वो अगले वीक में बुलाया जा सकता है, ये सरकार की ओर से अभी तक निर्णय लिया गया। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं 40 से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ये एक चुनौती भी है, लोगों में भय भी है, और इस बीच मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू करना कितनी बड़ी चुनौती मानते हो और कितना सावधानी रहेगी? अधिकारी अपने तौर पर, मुख्य सचिव भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीएम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना सफल हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए पिंटू, बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार ने जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया है, सरकार हालांकि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग ही मॉडिफाइड लॉकडाउन लिया गया है, पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, और ये जो 1/3 स्टाफ को बुलाने का था रोटेशन के हिसाब से, ये सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण कहीं ना कहीं ना फैले, लगातार जिस तरह के आंकड़े प्रदेश में सामने आ रहे थे उसको देखते हुए, देखिए जिन शहरों में मुख्य रूप से देखा गया, जयपुर में, कोटा की बात करें, टोंक की बात करें, भरतपुर हो, जोधपुर हो, लगातार जो आंकड़े संक्रमण के वो बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए 1/3 स्टाफ को टालने का फैसला लिया गया सरकार की ओर से, जो केंद्र सरकार के निर्देश थे, गाइडलाइन थी, उनके अनुसार ही पूरे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हो, तमाम जो फैसले राज्य सरकार की ओर से लिए गए हों वो इसी रूप में लिए गए हैं, कहीं ना कहीं जनता को राहत दी जाए, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, जो मृत हो गई। जी पिंटू सिंह, यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में छूट दी गई है, मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है, कई सारे औद्योगिक इकाइयां संचालित होने वाली है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग वास्तविकता में जो काम पे जाना है उसको जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में अब बेचैन हैं घर से बाहर निकलने के लिए, और वो किसी भी बहाने से बाहर निकलेंगे तो गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसे में पुलिस की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती है। कैसा माहौल बाहर देखा जा रहा है, किस प्रकार से वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है, चहल पहल किस प्रकार की है? जी आशीष, आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉडिफाइड जो लॉकडाउन लागू किया उसके बाद में लोगों को लगा कि आज से राहत मिली और लोग बाहर आ जा सकेंगे। उससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील कर दी थी कि आम नागरिकों के लिए पहले जैसा ही लॉकडाउन है और पहले की तरह ही तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और घरों से बाहर ना निकले और घरों में ही रहें। सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही अपील कर दी थी, उन्होंने कहा था कि कुछ आर्थिक गतिविधियां हैं उनको चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाना जरूरी है। सीएम अशोक गहलोत ने भी अपील की। अगर बात करें हम राजधानी जयपुर की, तो पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे थे, सड़कें सूनी नजर आ रही थी, इक्का दुक्का वाहन देखने को मिलता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं शहर की सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की भी संख्या देखने को मिली। बिल्कुल, पिंटू यहाँ पे जानना चाहेंगे कि पुलिस किस प्रकार का कदम उठा रही है, क्योंकि पुलिस को फिल्टर करके लोगों को आगे जाने देना होगा। पहले तो ये था केवल जरूरी जो काम है, जो जिनको छूट दी गई थी वो ही निकल सकते थे, लेकिन अब मॉडिफाइड लॉकडाउन में उद्योग जगत के जो लोग हैं वो बाहर निकल सकते हैं, मजदूर जा सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है जो जा सकती है, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती है किस प्रकार से पुलिस निपटेगी, और अगर बेवजह कोई बाहर निकल रहा है तो उसके साथ किस प्रकार की तैयारी पुलिस ने की है। देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन अब तक सड़कों पर जो लोग आवाजाही कर रहे थे, जो वाहन आ रहे थे उनकी चेकिंग कर रही थी, उनके पास जो जिनको अनुमति थी उनका पास चेक कर रही थी, लेकिन कल जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसके बाद में जो तमाम जो सेवाएं हैं, जरूरी सेवाएं हैं, उनके लिए पास अनिवार्य किया था, उनको चेक किया जा रहा है, और इस वक्त हमारे सहयोगी यादवेंद्र है जो लगातार जो पुलिस की जो मॉनिटरिंग है, जो पुलिस जो अपना अंजाम दे रही थी कार्य को, उसको लगातार कवरेज कर रहे हैं। हम यादवेंद्र से बात करेंगे। यादवेंद्र, आज एक बड़ी चुनौती भी पुलिस प्रशासन के सामने थी, क्योंकि अब तक वाहन शहर की सड़कों में कम निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन मॉडिफाइड के बाद में आज काफी वाहन सड़कों पर देख रहे हैं, किस प्रकार पुलिस अपने काम को अंजाम दे रही है और किस प्रकार से पूरी व्यवस्था की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5,000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी थी अब तक इस लॉकडाउन के दौरान यहां पर उनको तैनात किया गया था, जिसमें आरएसी के जवान भी थे। ये सभी तमाम जो लोग थे ये लगातार पुलिस के यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए यहाँ पर जो सड़कों पर निकलने वाले जो वाहन थे उन पर नज़र बनाए हुए थे, और इसी का नतीजा ये है कि 12,000 से ज़्यादा जो है वो पुलिस है ऐसे वाहनों को जब्त कर चुकी है। ये इस बात को बताता है कि जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं इसका, उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस उनको बख्शने के मूड में नहीं है और उनको कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी, और यही हुआ है। 12,000 से ज़्यादा वाहन जब्त हुए हैं, 300 से ज़्यादा ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, इसके अलावा 100 से ज़्यादा मुकदमे बनाए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है जो तय किया है उसके तहत ही पूरी कार्रवाई और मुकदमे दर्ज हुए। अहम बात यहाँ भी निकल के सामने ये आई है कि क्योंकि कल राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया और जो डिजास्टर एक्ट मैनेजमेंट का जो एक फर्क जो नजर आया है उसमें कहीं ना कहीं सजा का जो प्रावधान किया है, संशोधन किया है, उसके बाद 1 साल की सजा है, जुर्माना दोनों हो सकते हैं, उन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता को भी समझना होगा। और अहम कड़ी जो सामने निकल करके आई है, चूंकि जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी गई है तो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें तय की है, मगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुलिस ने उस पर सख्ती भी दिखाई है। जयपुर शहर में अमूमन देखने को मिलता था कि लॉकडाउन के भीतर 262 जो नाके अभी तक बनाए गए थे, मगर इन नाकों को पुलिस ने बढ़ा दिया है और जयपुर शहर के अंदर 400 से ज्यादा जो नाके हैं अब पूरे इलाके को
पूरे इलाके के अंदर, पूरे जयपुर शहर के अंदर बना दिया। कह सकते हैं कि मॉडिफाइड लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती बन गई थी उससे निपटना, क्योंकि मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो करीब 85,000 से ज्यादा जो वाहन है उनको जब्त किया, जिसके अंदर टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये वाहनों की संख्या है। हालांकि जब कोर्ट खुलेंगे तो उसके बाद जिस तरीके से लोग उन वाहनों को छुड़ाने जाएंगे तो उसके लिए काफी चुनौती होगा, मगर यहां पर पुलिस ने एक शक्ति दिखाई है कि तमाम जो थाना इलाके हैं वहां पर अब तक हर नाके पर 3 से 4 पुलिसकर्मी रहते थे, मगर 3 रहते थे ज्यादातर, मगर अब उन नाकों पर 5 की संख्या बढ़ा दी है। 70 थाने जयपुर शहर के अंदर, राजस्थान के अंदर बात करें तो काफी बड़ी संख्या यहाँ पर है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा सख्ती अब दिखाएगी पुलिस दिखाएगी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो सबसे ज्यादा होती है इस लॉकडाउन के इम्प्लीमेंट कराने की राहत के दौरान, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है पुलिस की। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जब डंडा जो इस नियमों को उल्लंघन करेंगे या लॉकडाउन को उल्लंघन करेंगे, धारा 144 का उल्लंघन करेंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस का डंडा उन पर चलेगा। और ये गहलोत सरकार ने कहा है कि आप इस लॉकडाउन को उल्लंघन मत कीजिए, हमने ढील दी है, ये ढील इसलिए नहीं दी है कि आप घरों से बाहर निकले, आप घरों के अंदर रहिए, कोविड-19 को हराना है तो आपको घरों के अंदर रहना पड़ेगा। यहाँ पर यादवेंद्र से एक और बात जानना चाहेंगे, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में बहुत सारे थाना क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कर्फ्यू लगाया हुआ है, और बात करें अगर पूरे राजस्थान की तो जितने पॉजिटिव राजस्थान में है उनसे आधी संख्या लगभग पूरे केवल जयपुर की है पॉजिटिवों की। ऐसे में मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना कराना जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्या तैयारी है, यादवेंद्र से जानना चाहेंगे। जी यादवेंद्र, हमारे एंकर आशीष का सवाल है कि जिस प्रकार से बात की जाए कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों की, तो कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस के, तो यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा ज्यादा है। ऐसे में किस प्रकार की तैयारी है कमिश्नरेट की कि यहाँ पर इन चीजों को रोका जाए, यहाँ पर वाहन ज्यादा निकल रहे हैं शहर में और यहाँ पर आंकड़े भी ज्यादा है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है और क्या तैयारी है कमिश्नरेट? देखिए, कमिश्नरेट की ओर से तमाम जो 21 थाने इलाकों के अंदर, मैं आपको बता दूं यहाँ पर पिंटू की वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। 21 थाने अपने आप में बहुत बड़े हैं, उस पूरे इलाके को पहले तो यहाँ पर जयपुर कमिश्नर सील कर दिया, तमाम जो आवाजाही है उन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा जो कर्फ्यू क्षेत्रों से जो लोग कर्मचारी जो अब लोग निकल कर कह रहे हैं, जैसा राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को बड़ी सख्ती के साथ उनको घर में रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप घरों से नहीं निकलेंगे चाहे कोई कर्मचारी क्यों नहीं हो। मगर एक अहम बात यह है कि जब कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों के अंदर पूरा सील कर दिया है तो वहां पर जो जरूरी सेवाएं होती हैं, जिसमें खाद्य से जुड़ी हो या मेडिकल से जुड़ी जो चीजें हो, उनको सिर्फ जिला प्रशासन वाले करेंगे। और इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों के अंदर जो कि जो इनकी जो संपर्क सूत्र रहा है, जो कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन लोगों की आवाजाही किन किन इलाकों में रही है, किन किन लोगों से मिले हैं, वो सारी ट्रैवल हिस्ट्री निकाल करके पुलिस है जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी है उनकी मदद कर रही है यहाँ पर, और लगातार अहम जो रोल निभा रहा है। चूंकि जिस तरीके से संख्या आई थी, तमाम जो पुलिस कर्मी है वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो ड्रोन की सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो यहाँ पर अदा कर रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह, न्यूज रूम से लाइव जुड़े थे और लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से मॉडिफाइड लॉकडाउन को प्रदेश में लागू किया जा रहा है और चुनौती प्रशासन के सामने है, पुलिस के सामने है, उससे बखूबी प्रशासन और पुलिस